सो गाइस, आपने बिल्कुल सही देखा है थंबनेल में, जंगकुक ने ना अपनी आर्मी से एक बात झूठ बोला है। एंड वो जो बात है ना, कोई छोटे मोटे बात नहीं है, ओके? आज के टाइम पे वो एक बिग डील बन चुकी है, आर्मी के बीच में सेंसेशन बन चुका है वो, ओके? एंड इस चीज को लेके जंगकुक ने अपनी आर्मी से झूठ बोले थे। वेल, वो बात क्या है मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड कर ले तो आपसे मिस ना हो, ओके? आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यस, जंगकुक बीटीएस के सबसे यंगर मेंबर है। एंड गाइस, इतना ही नहीं, जंगकुक को ना गोल्डन मैकनी के नाम से भी जाना जाता है। एंड एक क्वेश्चन आपने मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछा था शायद पहले, कि दी प्लीज हमें ये बताओ कि गोल्डन मैकनी क्या है। सो गोल्डन मैकनी जंगकुक को इसलिए बोला जाता है बिकॉज ना जंगकुक मल्टी टैलेंटेड है। लाइक वो सिंगिंग करते हैं, ओके? साथ ही साथ वो पेंटिंग भी करते हैं। एंड गाइस, बाकी टैलेंट्स, बाकी यू नो जो उनके आर्ट्स के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके? मैं भी तो जानू कि आपको कितना पता है जंगकुक के बारे में, ओके? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जंगकुक ने हम सभी से एक झूठ बोले हैं, तो क्या झूठ है? तो गाइस, आपने सुना होगा कि जंगकुक से एक बार पूछा गया था कि जंगकुक क्या बनना चाहते, अगर वो सिंगर नहीं बन पाते, एक आइडल नहीं बन पाते तो क्या बनते। तो जंगकुक ने इस चीज पे क्या जवाब दिया था, तो आई थिंक आपको पता होगा। वेल, आपको नहीं पता है तो मैं आपको हूं ना बताने के लिए, ओके? मैं बताती हूँ। तो जंगकुक ने वहां पे जवाब दिए थे कि अगर वो एक आइडल नहीं बनते ना, तो आज ना वो पता है क्या होते, जंगकुक ना एक टैटू डिजाइनर होते, ओके? बिकॉज ना उनको ना बहुत ही ज्यादा पसंद है टैटूज, ओके? एंड आपने जंगकुक के हाथ पे भी इस चीज को नोटिस किए होंगे, ओके? एंड गाइस, जो बाकी मेंबर्स हैं, उन लोगों से भी जब पूछा गया ना कि वो क्या बनना चाहते हैं, लाइक अगर वो आइडल नहीं होते तो क्या बनते, तो सभी ने अपने अपने ओपिनियन बताए कि वो अगर आइडल नहीं होते तो वो ये बनते, ओके? सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जंगकुक अपनी आर्मी से बहुत ही ज्यादा लव करते हैं। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने ना अपने हाथ पे भी आर्मीज लिखवाया हुआ है, ओके? सो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपको पता चलेगा कि जंगकुक ने क्या झूठ बोला है, सो गाइस आप भी ना बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जंगकुक ने जिस चीज के बारे में झूठ बोला है, एंड वही चीज इस टाइम पे आर्मीज के बीच में ना सेंसेशन बना हुआ है, ओके? सो मैं आपको बता दूं, एक बार जब इंटरव्यू हुआ था ना, तो वहां पे जंगकुक से पूछा गया था कि उनको क्या बहुत ज्यादा पसंद है एंड वो उस चीज को नहीं कर सकते हैं। तो जंगकुक ने बोले थे ना कि मुझे ना टैटूज बहुत ही ज्यादा पसंद है, ओके? लेकिन ना मैं कभी भी टैटूज नहीं बनवाऊंगा अपने हाथों पे, बिकॉज ना टैटूज बनवाने से ना पेन होता है एंड मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो जंगकुक ने ऐसे बोले थे। एंड गाइस, आज के समय पे आप अगर जंगकुक के हाथों को देखोगे तो कितने ज्यादा टैटूज बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने आर्मी से झूठ बोला था, है ना? एंड इस टाइम पे जो जंगकुक के टैटूज है, वो आर्मी के बीच में सेंसेशन बना हुआ है, ओके? एंड सबसे कूल मेंबर के नाम से भी जंगकुक जाने जाते हैं। वेल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपने उस इंटरव्यू को देखा था जब जंगकुक ने इस चीज के बारे में बोला था। आई थिंक वो इंटरव्यू नहीं, कोई एपिसोड था, उसमें बोले थे उन्होंने, है ना? सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आप बीटीएस हिंदी वाले चैनल पे भी जाके देख लेना, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।